सिक्स टू सेवन इयर्स हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए और मैं एक कॉमन से स्टूडेंट्स से आइडियोलॉजी सुनती हूँ कि फ़लाँ टीचर अच्छा नहीं है वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है उसके पीरियड में हमें नींद आती है एक्चुअली सारे जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक जैसे ही होते हैं लेकिन डिफर करता है उनका टीचिंग मैथड उनकी क्रिएटिविटी और कोई भी टीचर अपनी क्रिएटिविटी या तो वो इंटरेस्टेड हो तभी बाहर निकालेगा मान लीजिए जैसे मैं हूँ मैं नहीं पढ़ा सकती कि एक बच्चे को खड़ा किया एंड ओके बेटा आप पढ़िए और पूरा पैराग्राफ पढ़ा के मैंने दो लाइन एक्सप्लेन कर दी फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों को कुछ पता ही नहीं है ऐसी आइडियोलॉजी मैं नहीं अपना सकती क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत ऐसे टीचर मिले थे जो हाथ में छड़ी लेकर पढ़ 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 ऐसे वाली फीलिंग रखते थे तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से पढ़ें मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड होता है मेरी क्लास में बच्चे बोरियत फील नहीं करते हैं लेकिन दूसरी बात ये है कि आप लोग अपने टीचर को बेटर बना सकते हैं बेटा फॉर एग्जाम्पल आपने अपने माइंड की को इस तरह से सेट कर लिया है कि सोशल साइंस एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बोरिंग है इसमें हमें नींद आएगी तो वो आती है आपने अपने माइंड को कंडीशन कर लिया है उस तरह से ओके लेट मी टेल यू स्टोरी स्मॉल स्टोरी है एक बेबी एलिफेंट को एक आदमी घर लेकर आता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है बेबी एलिफेंट कई दिन तक ट्राई करता है उस रोप को तोड़ने की अपना सारा एफर्ट अपनी सारी पावर लगाता है बट ही फील्ड और वो उसे तोड़ नहीं पाता देन उसने उसको अपने माइंड में उसने बिठा लिया है कि रोप जो है वो बहुत ही मजबूत है एंड वो तोड़ नहीं पाएगा उसे अब बाय द टाइम पासिंग बेबी एलिफेंट एक बिग एलिफेंट बन जाता है एंड नाउ अभी भी वो उसी स्मॉल कमज़ोर रस्सी से बना हुआ है क्योंकि उसने अपने माइंड की कंडीशनिंग ऐसे कर ली है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी वैसे ही लर्नर्स आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग ऐसे कर ली है कि सोशल साइंस इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और हम इसे ग्रैप नहीं कर पाएंगे बाई आस्किंग क्वेश्चनस यू कैन मेक योर टीचर अ बेटर टीचर यदि मुझे पता है <coughs> सॉरी यदि मुझे पता है कि मैं क्लास में जाऊँगी और मेरे स्टूडेंट्स मुझे कोई भी रिएक्ट नहीं देंगे मैं चाहे कैसे भी पढ़ाऊँ बस मुझे जाना है पढ़ा कर आ जाना है और बच्चे स्लीपी फील करते हैं बच्चे कुछ नहीं पूछते हैं तो मेरा टीचिंग मेथड भी वैसे ही हो जाएगा मैं भी अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं अंदर ही मार दूंगी और यदि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं वो जो भी चैप्टर मैं कराने वाली हूँ या जो भी टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो मेरा दिमाग उतना ही एक्टिव होगा और मैं उस कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर तरह के टॉपिक को हर तरह के आइडियाज़ को पढ़कर समझकर तभी आपकी क्लास में एंट्री करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ भी पूछ लेंगे तो मुझे एटलीस्ट उसका आंसर पता होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स परफेक्ट कोई भी नहीं होता है टाइम टू टाइम लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता आपको हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं मैं एक टीचर हूँ इडर्जेंट मीन मुझे सब कुछ आता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं आती सो so, मैं भी एक स्टूडेंट की लाइफ ही जी रही हूँ और हम लाइफ टाइम स्टूडेंट ही रहते हैं जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है तो आगे से आप ये सोचिए कि आप अपने टीचर को बेटर कैसे बना सकते हैं ओके okay, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया सो so, आज के टॉपिक पर चलते हैं आज की वर्कशीट थी फ्रेंच रिवोल्यूशन की हमने ये पढ़ा था कि लुई सिक्सटीन जो हैं वो आ, उनको अपनी ट्राजरी एम्प्टी मिलती है बहुत सारी रेवोल्यूशंस उनके टाइम पे हो रही हैं फार्मर्स पीजेंट्स वर्कर्स एवरीबॉडी एवरीबडी गोट फ्रस्टेट एंड सभी अब जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की इस्टिश हो जाए टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं अब लुई सिक्सटीन को ये पता है कि ये जो रिवोल्यूशनस हो रही हैं वाज़ नॉट पॉसिबल टू स्प्रेस दैम सो ही एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली ही रिकोगनाइज द नेशनल असम्बली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन कि अभी से मेरी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेंगी और फोर्टीन ऑगस्ट सॉरी फोर अगस्त 1789 की रात को फ्यूडल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं और जिसके अंदर जो क्लबीज हैं उनको फोस्ट किया जाता है दैट दे गिव अप देवर प्रिवलीज विच दे इंजॉयड टाइथेज अ टाइप ऑफ टैक्स वो एबॉलिस्ट उसको ख़त्म कर दिया जाता है जो भी लैंड चर्चेज के पास थी उनको कन्फिस्केटेड कर दिया जाता है यानी गवर्नमेंट जो है हाँ अपने अंडर ले लेती है और इस तरह से जो गवर्नमेंट है उसके पास लगभग टू बिलियन लिब्रे की असट यानी संपत्ति आ जाती है लिब्रे स्टूडेंट एक करेंसी है फ्रांस की जैसे हमारे यहाँ पर रुपीस है रुपया ऐसे ही फ्रांस में लिब्रे में ट्रांजेक्शंस होती हैं और 1791 को नेशनल असेंबली अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लेती है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट्स मेन एम वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मनार्क एंड पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स लाइक एग्जीक्यूटिव लेजिसलेटिव एंड जुडिशरी वो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव पैसिटीजन्स एक्टिव सिटीजन्स के अंदर 25 फाइव के वो व्यक्ति आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल उन्हें ही वोटिंग राइट right दिया गया था और ये टोटल पॉपुलेशन आप कह सकते हो 28 बिलियन पॉपुलेशन का केवल 4 बिलियन पीपल थे वंस अगेन आई रिपीट ट्वेंटी फाइव ईयर्स के वो सिटीजन्स जो प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें ही वोटिंग राइट right दिया गया था जो एक्टिव सिटीजन्स कहलाए थे पैसिव सिटीजन्स को कोई भी वोटिंग राइट right नहीं दिया गया था और इवन वूमन को भी कोई वोटिंग राइट right नहीं दिया गया था जिससे जो पीपल हैं वो बहुत नाराज़ हो गई थी और वहाँ पर अब जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उनको डिस्कस करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ क्लब्स वर ओपन जिनमें से जैकोबियन क्लब भी एक क्लब था और इसके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबिस ये सेंट जैकब पेरिस से इंस्पायर्ड थे और ये डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उनके प्लान्स को और इन क्लब्स के अंदर स्मॉल शॉपकीपर्स वॉच प्रिंटर्स डेली वेजिस वर्कर्स सर्वेंट्स ये सब इंक्लूड होते थे और इन्हें सोन क्लॉथ्स कहा जाता था सोन क्लॉथ्स मीन्स दोज विदाउट नी ब्रचेज यानी कि ऐसे लोग जिन्हें के घुटने नहीं होते थे एक्चुअली इन्होंने ये एक ड्रेस अपनाई थी जो कि उस समय की फैशनड जो सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट अपनाई थी उसमें पर जो अमीर लोग थे जो फैशन पॉपुलेशन थी वो अपने घुटनों तक की पैंट्स पहनती थी और इन उन्होंने ये फुल पैंट्स पहनी थी तो इसी वजह से इनको सॉन्ग क्लॉथ्स कहा जाता था अब जो मैक्स रॉबिस पेयर हैं उन वो एक ह्यूमन राइट right का चार्ट और रेड कलर की कैप पहन करके अपने अधिकारों के लिए डिमांड करने लगे थे वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करती थी एंड टेंथ अगस्त सेवनटीन टू को प्लान एंड इंसरशन इन का मतलब होता है बगावत करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रिबेल करना ये लोगों के साथ जो कि लिमिटेड सप्लाई हो रही थी हाई प्राइसेस ऑफ फ़ूड हो गए थे ब्रेड लोगों तक पहुंच नहीं रही थी लोगों को ब्रेड खाने के लिए नहीं मिल रही थी तो ऐसे लोग जो बहुत परेशान थे उन्होंने ड्रॉबिस प्योर ने उन लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत कर दी उन्होंने टुलरीज़ के पैलेस को बर्बाद कर दिया एंड उन्होंने किंग का जो गार्ड था उसे भी मार दिया उन्होंने वहाँ के जो किंग था उसको बंदी बना कर रख लिया और असेंबली के अंदर उसको इम्प्रिजेंड के लिए पूरी जो रॉयल फैमिली थी उसके इंप्रिजेंट के लिए वोट किया और नए इलेक्शन हेल्ड हुए जिसके अंदर ओल्ड मैन ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स गॉट राइट टू वोट इससे पहले जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनकी एज जिन्हें राइट टू वोट मिला था ट्वेंटी फाइव ईयर्स थी लेकिन इस बार जो नए इलेक्शन से हेल्ड हुए और जो नई असेंबली बनी उसमें सभी जो ट्वेंटी वन ईयर्स के मैम थे उनको राइट टू वोट दिया गया और ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर सेवनटीन नाइन्टी टू को जो नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी उसका नाम बदल करके उसको कन्वेंशन कहा जाने लगा जिसके अंदर मनैरके को अबॉलिश कर दिया और दे डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ऐसी आ, आ, ऐसी गवर्नमेंट जो अपने लोगों के द्वारा इलेक्ट होती हैं और वहाँ का जो हेड होता है वो भी लोग यानी कि पीपल ही इलेक्ट करते हैं और लुई सिक्सटीन को सेंटेंस टू डेथ यानी कि उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी सेवेंटीन नाइन्टी थ्री को थ्री को पब्लिकली डीला कॉनकॉर्ड के महल में लुई सिक्सटीन को फांसी पर लटका दिया जाता है और इस तरह से लुई सिक्सटी की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स व्हेन डिड द फ्यूडल सिस्टम एंड इन फ्रांस फ्यूडल सिस्टम फ्रांस में कब ख़त्म हुआ फ्यूडल सिस्टम को हम हिंदी में सामंती व्यवस्था कहते हैं एंड हाउ डिड द एम्प्रोर्स पावर्स भी डिवाइडेड बाई द नेशनल असेंबली राजा की जो पावर्स थी उसे नेशनल असेंबली ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हाउ द पीपल हु गोट वोटिंग राइट थ्रू द नेशनल असम्बली वो लोग जिन्हें नेशनल असेंबली के द्वारा राइट टू वोट मिला था वो डिफरेंट फ्रॉम टूडेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज का जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है वो उस समय से कैसे अलग था हु वॉज द लीडर ऑफ जेकोबियन क्लब जेकोबियन क्लब का लीडर कौन था हु वर देंबर्स ऑफ दिस क्लब इस क्लब के अंदर कौन कौन लोग थे वन डिट द रिपब्लिक ऑफ़ फ्रांस बिकेम फ्रांस जो है वो गणतंत्र कब बना था स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन आंसर्स में मुझे लगता है एक वर्ड अलग आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यदि आपके दिमाग की बत्ती जली होगी तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओके नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्लास कलर रिलीजन और जेंडर इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी विच इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या होता है टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार जो है वो प्रजातंत्र कहलाती है डेमोक्रेसी कहलाती हैं और डेमोक्रेसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिक हैं उन सब को बिना किसी भेदभाव जाति धर्म क्लास कलर इन सबके भेदभाव के बिना एक राइट टू वोट मिलता है एक अधिकार मिलता है वोटिंग का जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी पूरा पूरी वर्कशीट एंड हेयर इज द वर्कशीट थैंक यू वेरी मच दैट्स ऑल फॉर आर टूडेज वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए क्योंकि आप लोगों की अप्रिशिएशन ही मेरे लिए मोटिवेशन है इफ़ यू हैव एनी डाउट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो यू कैन कमेंट मी यू कैन आस्क मी आई एम ऑलवेज विद यू स्टूडेंट्स स्टे सेफ स्टे हेल्दी Stay home. Have a nice day.